बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पंजाब के पठानकोट में 4 संदिग्ध देखे गए हैं। संदिग्धों की तलाश में सुरक्षा बलों और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। शहर से बाहर जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि 4 संदिग्ध देखे गए हैं पठानकोट के पास, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो भी रास्ते पठानकोट से बाहर जाने वाले हैं उनको सील कर दिया गया है। तो पठानकोट में जिस तरह से हमला हुआ था उसके बाद लगातार पठानकोट पर नजर बनी हुई है। पठानकोट में 4 संदिग्ध देखे गए हैं। हालांकि ये लोग कौन है ये अभी तक नहीं पता लग पाया है किन लोगों ने इनको देखा है। हालांकि संदिग्धों की तलाश जारी है, सुरक्षा बलों और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। There is likely to be a lot of EVIP movement in the next few days here. So in view of that and because of that basically, I have not taken any chance. All the information was very, very vague. But yet I am continuing with my search operation in the fullest manner. But rest assured, everything is fine and safe here. And I have already told my seniors about this also. I am getting a lot of extra forces also. So we have in the last 3 hours, more than 3 hours, we have searched the entire Chakki Bank area as well as this residential area also, these forest cover area also. My SWAT teams are there also, my commandos are there also. Whatever I have on my hands, we have got that. But nothing has been found so far. और इस वक्त हमारे साथ अजय महाजन जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। अजय, ये बताइए कि 4 संदिग्धों को देखा गया है, क्या कुछ इनके पास से जानकारी, इनको किन लोगों ने देखा और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी श्वेता, बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है उनकी जो उनकी पूरी सूचना को गुप्त रखा गया है और उसके बाद जो है उनकी इन्फॉर्मेशन जो है जो पुलिस को मिली है उनके नामों को गुप्त रखा गया है और उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है और पूरे इलाके के चप्पे चप्पे में पुलिस जो है वो तैनात कर दी गई है। लगभग 500 से 700 पुलिसकर्मी जो है हथियारों समेत जो है, जहाँ संदिग्ध देखे जाने की खबर थी वो पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर का एरिया है, जहाँ पर पंजाब और हिमाचल दोनों राज्यों में एक चक्की रिवर जो है सिर्फ वही पड़ती है और हिमाचल को भी जो है हिमाचल के एसपी जो है उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया है पंजाब पुलिस की तरफ से। एसएसपी राकेश कौशल से जो हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा अपनी सारी पुलिस को जो है वो डिप्यूट कर दिया गया है। 4 संदिग्ध देखे जाने की सूचना जो है उनको मिली थी, उसके बाद एयर फोर्स और आर्मी को भी इस बात की सूचना दे दी गई है कि 4 संदिग्ध जो है इस इलाके में देखे गए हैं और जो कि हथियारों समेत है, उनके पास वेपन होने की भी जो सूचना है वो पुलिस को मिली है, जिसके बाद पूरे इलाके के चप्पे चप्पे को जो है पुलिस ने घेर लिया है और डॉग स्क्वाड और बाकी मेटल डिटेक्टर के साथ भी हर एक इलाके की जो है वो चेकिंग की जा रही है। सर्च अभी लगातार जारी है। उसके बाद जितना भी इलाका है जो पंजाब और हिमाचल और पंजाब और जेएनके को जाने वाले रास्ते हैं सभी को सील कर दिया गया है। इन सभी इलाकों पर सर्च के साथ साथ जो है हर आने जाने वाले पर नजर जो है वो रखी जा रही है। चलिए अजय, अपडेट आगे लेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में पठानकोट में हमला हुआ था, पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था, जैश ए मोहम्मद ने वो हमला करवाया था और इसके बाद से ही लगातार कहें तो सेंसिटिव बना हुआ है पठानकोट, नजर रखी जा रही है पठानकोट पर। और अब 4 संदिग्धों को देखा गया है और लेकिन अभी इनके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हो पाई है कि कहां से हैं ये, क्या इनके मंसूबे थे। तूरी हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान पर एक तरह से घेराव बना रहा है। आज विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को उरी हमले में सीमा पार का हाथ होने के सबूत सौंपे हैं। तो विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को बताया कि घुसपैठ में मदद करने वाले 2 गाइड ग्रामीण को पकड़ा गया है जो हिरासत में लिए गए हैं। साथ ही पाकिस्तान को भारत ने बताया कि शुरुआती जांच में यह पता चला है कि उरी में हमला करने वाले एक शख्स का नाम हाफिज अहमद था, जो पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद का रहने वाला था।